तो फ्रेंड्स आज की ये जो सी वीडियो है ना, इसके अंदर हम करने जा रहे हैं एक एप्सन के इंक टैंक प्रिंटर की अनबॉक्सिंग और उसका रिव्यू। तो चलिए फटाफट से अनबॉक्स की प्रक्रिया को शुरू करने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले एक बार डब्बे पे नजर मारते हैं कि कंपनी ने जो जो चीजें वहां पर लिखी हैं बहुत मेहनत से, उसे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिब्बे के ऊपर यहाँ पर हमें मॉडल नंबर दिया गया है जो कि है L3100। यहाँ पर ये कलर्स बताए गए हैं कि ये चार कलर जो हैं इनके साथ आप प्रिंटर जो है वो काम करता है, मतलब कि इन चारों कलर्स को हमने इसमें डालना है। नीचे की तरफ यहाँ पर एप्सन की ब्रांडिंग दी गई है और नीचे दिया गया है एक्सीड योर विजन। और यहाँ पर हमें बताया गया है कि ये एक प्रिंटर है, मतलब हमने खरीदते समय तो हमें पता ही नहीं था कि ये क्या है, इसलिए कंपनी यहाँ पर ये मेंशन करके देती है। हैंडल विद केयर का एक लोगो दिया गया है। यहाँ पर हमें मिल जाता है कॉपी एंड स्कैनर का ऑप्शन कि इसमें कॉपी और स्कैन हम कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम मुड़ते हैं दूसरी तरफ बॉक्स के, तो यहाँ पर भी एप्सन की ब्रांडिंग दी गई है, वही सब कुछ लिखा हुआ मिलता है। यहाँ पर इसका वजन शजन वजन कुछ बताया गया है कि कितना वजन है इससे, जिसे हमें क्या लेना देना। यहाँ पर कलर्स है, अगेन वही चीजें सब कुछ दी गई है। और दूसरी तरफ की तरफ भी नजर मारते हैं एक बार कि वहां भी कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इस तरफ भी बाकी की तो वो जानकारी जो है वो सभी वही सेम चीजें ही हमें यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर हमें एक चिट दी गई है जिसमें इसकी इंपोर्ट की डेट बताई गई है जो कि नवंबर 2020 है। और इसी के साथ में यहाँ पर एक नंबर है, एक प्रिंटर हमें इसमें मिलेगा, यानी कि यहाँ पर हमें मिलती है इसकी MRP जो कि 11,999 रुपीज़ है, यानी कि 11,900 रुपये है। यहाँ पर कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है, यहाँ पर बारकोड दिए गए हैं, इसका सीरियल नंबर दिया गया है और एट्रम बटरम चीज़ें दी गई है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए मैं इसे कर लेता हूँ फटाफट से ओपन और उसके बाद देखते हैं हम कि बॉक्स में हमें क्या क्या मिला है और इसकी जो एक्चुअल शक्ल सूरत है वो कैसी है। फ्रेंड्स ये चीज़ें हमें इसके अंदर दी गई हैं। सबसे पहले देखिए, एक ये हमें ड्राइवर की CD दी गई है जिसे कि इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। बहुत से आजकल के जो उनसे लैपटॉप्स या जो PCs हैं उसके अंदर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इसे डिटेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद में हमें मिलता है यहाँ पर कुछ पेपर वर्क जिससे कि पढ़ना काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है मुझे। इतना अगर पढ़ लिया होता मैंने पहले तो मैं शायद आज YouTube की वीडियोज़ ना बना रहा होता। तो इसके बाद हमें एक मिल जाती है इसमें पावर कोर्ड, एक हमें मिलती है इसके अंदर ये वाली केबल, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, जो कि हमारे लैपटॉप या PC के साथ में इसे कनेक्ट करने के लिए है। और साथ में हमें मिलती हैं ये चार बॉटल्स कलर्स की। तो ये चार कलर्स हैं जो इसमें डालने पड़ते हैं हमें, जो कि साथ में मिलते हैं। तो इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस तरीके की कुछ हमें लुक दी गई है प्रिंटर की। तो यहाँ पर आप ये जो है हमारा सामने की तरफ, यहाँ आप देखेंगे तो ये इसके इंक के लिए है, यहाँ पर हमने इंक भरनी होती है, वो बाद में भरेंगे। और उसके बाद में ये हमें कंट्रोल पैनल दिया गया है इस तरफ को, ये इसका स्कैनिंग बेड है जिसपे हम स्कैन करने के लिए जिसको यूज़ करेंगे। इस तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलती है ट्रे इसको पेपर वगैरह को लगाने के लिए। यहाँ से एक्चुअली पेपर बाहर की तरफ आएंगे तो इस तरीके से यहाँ से पेपर बाहर निकलेंगे। तो इसे बंद करते हुए यहाँ पर हम चलते हैं बैक साइड पर, तो यहाँ तो जो पेपर है वो इस तरफ से इंसर्ट होगा। यहाँ पर जिग दिए गए हैं जिसको पेपर को जब आप डालेंगे तो इसको पेपर को टाइट करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये एक शटर दिया गया है जिससे कि इसके अंदर का नज़ारा नजर आएगा आप लोगों को, कि अगर आप देखना चाहो तो इसको भी बंद करते हुए हम बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर हमें दिया गया है ये इंक टैंक, तो इसको जो इंक है इसमें यहाँ से हम डालेंगे, यहाँ पर हम इसे खोलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से ये खुल जाता है और यहाँ पर हमें दिए गए हैं ये चार बॉटल्स कैन, यहाँ पर हम अपनी बॉटल्स को रखेंगे इसको फिल करने के लिए। कुछ इस तरीके से आपने इसको खोलना है, यहाँ पर अंदर एक पाइप सी दी गई है छोटी सी, तो उसके अंदर हमने अपनी डिबी जोन सी हमारा कलर बॉटल है उसको लगाना है और उसके बाद में इसे भरना है। यहाँ से हमें इंडिकेशन मिलता रहेगा यहाँ पर आपके नीचे की तरफ से कि कितना इंक इसमें जा चुका है, तो आपने उसी हिसाब से इंक को भरना है। इसी तरीके से चारों को हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर कलर्स मेंशन किए गए हैं कि कौन सा कलर कौन सी वाली बॉटल में जाएगा, तो इसको भी बंद कर देते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमें जगह दी गई है इसकी, जो केबल हमें कनेक्ट करना है अपने PC के साथ में उसे हमने यहाँ से करना है, यहाँ पर उसका स्लॉट दिया गया है। और इसकी बैक साइड की तरफ भी एक बार नज़र अगर हम मारते हैं तो वहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं कि पावर कोड के लिए हमें ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर। इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑप्शन हमें और नहीं मिलता इसमें। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट प्रिंटर है। इसी के साथ एक इससे अपर मॉडल और आता है जिसके अंदर बाकी सब कुछ जो है वो सेम रहता है, बट उसमें वाईफाई की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है, अगर आप वो लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक इंक टैंक प्रिंटर है जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये चीज़। तो इसमें अगर बात करते हैं इसकी कॉस्टिंग की कि कितना कॉस्ट पड़ता है हमें पर पेपर, तो अगर आप इसमें ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकालते हैं तो ये आपको 8 पैसा पर प्रिंट कॉस्ट करता है। अगर आप इसमें कलर प्रिंट यूज़ कर रहे हैं तो कलर प्रिंट में ये 18 पैसा
पर प्रिंट के हिसाब से आपको चार्ज लगेगा जो भी इसमें लगता है। उसके बाद में हो सकता है कि ये सस्ता और ज्यादा पड़ने लग जाए, क्योंकि कलर्स जो है वो कई तरीके से मिलते हैं। ओरिजिनल कलर जो है वो थोड़े से महंगे होते हैं, उसी के साथ में जेनरिक कलर्स भी आते हैं जो कि अच्छा काम करते हैं, वो काफी ज्यादा सस्ते में आपको मिल जाते हैं। तो उसे अगर हम बाद में यूज करते हैं तो ये जो पेपर कॉस्ट है पर प्रिंट जो कॉस्ट हमें पड़ती है वो और ज्यादा कम भी हो सकती है। बट यहाँ पर मैं आपको सजेशन यही करूंगा कि आप लोकल कलर्स या जेनरिक कलर्स को यूज ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें आते प्रिंटर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसी के साथ में आप इसमें तकरीबन 10 से लेके 15 प्रिंट की स्पीड इसकी देख सकते हैं कि 1 मिनट में ये 10 से लेके 15 प्रिंट आपको दे सकता है निकाल कर। फटाफट पहले मैं कर लेता हूँ इसे रिफिल, और उसके बाद हम इसकी क्वालिटी भी देखते हैं कि इसके प्रिंटआउट की क्वालिटी क्या आती है, ब्लैक में भी और कलर्ड में भी, दोनों में हम करके देखेंगे कि कैसी क्वालिटी हमें मिलती है। तो फ्रेंड्स ये सारी बॉटल जोन सी हैं ये मैंने यहाँ पर खोल ली हैं, इसको रख दिया है मैंने पहले से यहाँ पर। इसके बाद में हमने इंक इसमें जो डालनी है, यहाँ से हम इसको ऐसे खोलते हैं, उसके बाद में इसको ढक्कन को खोलना है हमने और यहाँ पर इंक डालनी है। तो सबसे पहले हमने इसमें डालनी है ब्लैक वाली इंक, तो मैं यहाँ पर ब्लैक इंक को ले लेता हूँ और इसे खोल लेता हूँ। अभी इसे डालते समय हमने एक तो देखिए ध्यान रखना है कि हम बॉटल को बिल्कुल भी दबाना नहीं है, बॉटल को सिंपल इस तरीके से हमने उल्टा करना है यहाँ, और जैसा कि इसके अंदर जा रही है बॉटल हमने यहाँ बॉटल डाल देनी है। उसके बाद में ऑटोमेटिकली जो कलर है वो हमारा इसमें जाना शुरू हो जाता है, जैसा कि अभी वीडियो में शायद मैं ये यहाँ नहीं बता पा रहा, बट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि इंक जो सी है वो अंदर जा रही है और जो इंक का लेवल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है यहाँ पर। तो वो जो हमें लास्ट यहाँ पर निशान दिया गया है वहाँ तक हमने इंक को भरना है, उसके बाद में सिंपली इसको इसी तरीके से हमने आराम से ऊपर उठा लेना है ऐसा। फ्रेंड्स इंक डालने के बाद में हमने यहाँ पर देखिए पेपर भी लगा दी हैं, आगे की ट्रे जो है वो भी खोल दी है। अभी इसमें पावर लगाना बाकी है तो मैं पावर भी लगा लेता हूँ। और इंक को डालने के बाद में कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें और होती हैं जिसको हमने फिर से फॉलो करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने पावर लगा दी है, तो मैं अभी इस पावर के स्विच को ऑन करने लगा हूँ यहाँ पर। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे तो ये अभी जो है ये सिर्फ ब्लिंक करेगा ऐसा, तो थोड़ी देर ब्लिंक करने के बाद में यहाँ पर एक लाइट और आएगी जो कि ब्लिंक करनी शुरू हो जाएगी, आई थिंक ऑरेंज या रेड कलर में वो लाइट आएगी। तो उसके बाद में क्या करना है वो मैं आपको अब बताता हूँ, पहले ये वाला मसला जो है ये पूरा हो जाए उसके बाद में हम आगे का प्रोसीजर देखेंगे कि क्या करना है हमें। तो अभी इसका जो बेड है वो मूव कर रहा है, अपनी पोजिशन ले रहा है अभी, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है जब आप रिफिल करोगे इसको पहली बार ही जब होता है तो पहली बार में थोड़ा सा कन्फिगर इसको करना होता है। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर ऑरेंज कलर की लाइट जो है वो आ गई है। तो अभी हमने क्या करना है कि ये जो सा ट्राइंगल का हमें एक बटन दिया गया है इसको हमने 5 सेकंड तक दबा के रखना है, जिससे कि ये दोनों लाइट जो सी हैं पावर की और ये ब्लिंक होनी शुरू हो जाती है इस तरीके से। तो अभी ये जो सा है ये क्या कर रहा है, ये कन्फिगर हो रहा है अभी। अभी ये जो इसकी पाइपलाइन है उसमें से इंक को ये ट्रांसफर कर रहा है कॉटरेज तक, कॉटरेजेस जो है उसके तक ये इंक पहुंचा रहा है अभी। तो इसे इस तरीके से करने में पहली बार सिर्फ तकरीबन 10 मिनट का टाइम लगता है, तो 10 मिनट ये इसी तरीके से लेगा इसको कॉन्फ़िगर करने में। तो चलिए मैं अभी यहाँ पर वीडियो को पॉज कर देता हूँ और उसके बाद मैं दोबारा से फिर शुरू कर दूंगा। क्योंकि फ्रेंड्स जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सी लाइट है स्टैंड बाय वाली वो स्टिल ऑन है, इसका मतलब है कि ये अपना काम जो सा है कर चुका है, पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो है इसकी वो कर चुका है। अभी हम इसमें एक बार प्रिंट को निकाल कर देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन हमें मिलते हैं प्रिंट निकालने के लिए, एक हमारा ब्लैक एंड व्हाइट के लिए है और एक हमारा कलर के लिए है। तो आप अपने टेस्ट के अनुसार या फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब कोई भी प्रिंट निकालना चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो पहले हम ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकाल के देखते हैं। तो उसके लिए मैं ये जो है इसका मैनुअल का ही पेज है ये, इसी को हम रख लेते हैं इसके बेड के अंदर इस तरीके से, और पहले हम निकाल के देखेंगे इसमें ब्लैक प्रिंट और इसकी स्पीड का भी हमें पता लगेगा। तो ब्लैक प्रिंट के लिए ये वाला ऑप्शन हमने दबाना है। तो अभी ये उसको स्कैन करेगा, पहले स्कैन करने के बाद में ये काफ़ी फास्ट इसने स्कैन भी कर लिया उसको, और प्रिंटिंग की जो स्पीड है वो भी जितनी मैं उससे सोची थी कि स्लो होगी बट उतनी स्लो है नहीं है। तो आप देख सकते हो कि प्रिंट जो है वो निकाल कर इसने दे भी दिया, यहाँ पर आप प्रिंट भी देख सकते हैं। तो काफ़ी सही प्रिंट आया है, कोई मतलब कि कहीं पर भी ज़्यादा इंक आई है या कहीं पर कम आती है ऐसा कोई भी चीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, जो परफेक्टली मतलब कि पूरा सही से आया है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा ब्लैक एंड व्हाइट, अभी ये कलर को भी निकाल के देख लेते हैं। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं, अभी मैं ये वाले बटन से कलर प्रिंट निकालूंगा।
तो अभी देखो इसने स्कैन कर लिया है उसको, अभी जो सा है कलर जो स्पीड है इसकी कलर प्रिंटिंग करते समय वो थोड़ी सी स्लो है अकॉर्डिंग टू ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट काफ़ी जल्दी निकाल दिया था इसने, मगर कलर में थोड़ा टाइम लगता ही लगता है, ये तो आपको पता ही है। और साथ में जो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा प्रिंट है, कितने कलर्स उसमें दिए गए हैं। तो आपने देखा होगा जैसे कि मैंने 3 पेज इसमें रख दिए इकट्ठे ही, तो काफ़ी ज़्यादा पूरा पेज ही एक तरीके से जो है वो भर गया उसमें, तो इसलिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा तो वो लेगा ही लेगा। तो अभी ये प्रिंट बाहर आ चुका है। तो प्रिंटिंग की क्वालिटी की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो क्वालिटी जो सी है वो भी सही आई है बिल्कुल। इसी प्रिंट को अगर हमने निकाला होता फोटो पेपर पर तो उसकी तो कुछ अलग ही बात होती, बाकी नॉर्मल पेपर पर भी अगर आप देखेंगे तो प्रिंट जो है वो बुरा नहीं है, आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो तो देखिए होती है यहीं पर समाप्त। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो यार लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करने में कोई हर्ज नहीं होता, कोई पाप नहीं लगता आपको, तो लाइक ज़रूर कर देना। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वो नीचे जो लाल वाला बटन है ना उसको दबाओ और कलर बदल दो उसका। अभी जाने का समय आ गया है, तो कोई सजेशन हो तो बताना ज़रूर अपना। अभी के लिए चलते हैं, अलविदा चाहूँगा आपसे। जय हिंद।